हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आपके पास कोई छोटा बच्चा है और स्कूल जाता है आपका बच्चा, तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम का है। आज एक कोई भी कपड़ा आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कॉटन का कपड़ा लिया है और उसे नॉन वन के साथ सेट करके वहाँ पे स्टिच करके क्विल्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पे नॉन वन के बदले एक शॉपिंग बैग ली है। जो आपके पास अगर शॉपिंग बैग है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से। अब उसे क्विल्ट करके रेडी करना है। इस तरह से अब जो एक्स्ट्रा हमारा साइड में कपड़ा बचा हुआ है शॉपिंग बैग का और फॉर्म सीट का पार्ट जो बचा हुआ है उसे हमें कट कर लेना है पूरे में। अब इसी तरह हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है और इसका मेजरमेंट है 11.5 बाय 16 इंच। अब हमें क्या करना है, तो एक और स्ट्रिप लेनी है और उसका भी मेजरमेंट है 2 बाय 13 इंच। दोनों स्ट्रिप को हमें इस तरह से आगे से थोड़ा फोल्ड कर लेना है। इस तरह से दोनों स्ट्रिप में फोल्ड करने के बाद हमें जो हमारा पार्ट रेडी किया है, मेन पार्ट है, उसे उल्टा रख के इसके ऊपर हमें स्ट्रिप को सीधा रखना है और उसे इस तरह से अटैच कर लेना है। और उसके बाद हमें फिर इस स्ट्रिप को सीधा करके वहाँ पे अटैच कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें रख के वहां पे स्टिच कर लेना है। और ऊपर की साइड भी हमें थोड़ा प्रेस स्टिच लगा लेना है ताकि हमारा पार्ट ऊपर से खुल ना जाए। अब हमें क्या करना है, आप अगर रेडीमेड बेल्ट लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप बाजार में बेल्ट मिलते हैं। यहाँ पे मैंने 16 इंच का 2 बेल्ट लिया है और उसे दोनों पार्ट में जो हमने अभी ऊपर की साइड लगाया उस वहाँ पे से बैग को नीचे की साइड एकदम सेंटर में रख के नीचे की साइड हमें सेट करके स्टिच कर लेना है। अब हमें क्या करना है, तो निशान करना है 2.5 इंच का दोनों साइड से और वहाँ पे हमें इस तरह से निशान जो किया है हमें वहाँ पे से नीचे की साइड से स्टिच कर लेना है दोनों साइड से। और इसी तरह ऊपर की साइड से जो हमने स्टिच किया है और वहाँ से थोड़ा सा इस तरह से एक फिंगर जितना नीचे की तरह गैप रख के वहाँ पे हमें स्टिच करना है। इसी तरह सामने की साइड भी हमें कर लेना है और जो दोनों साइड से हमने जो एक एक फिंगर जितना रखा है मेजरमेंट स्टिच नहीं किया है उसे इसी तरह रहने देना है और बैग को सीधा कर लेना है। उसके बाद हमने जो बेल्ट लिए हैं हमने जो 16 इंच के उसके अंदर से इस तरह से नीडल की तरह उसके अंदर से पास करना है बेल्ट को एक साइड से लेके दूसरी साइड से निकालना है। और इसी तरह हमें दूसरे बेल्ट को भी इस तरह से एक साइड से लेके दूसरी साइड निकालना है और उसे सेट कर लेना है। अब जो हमने दोनों साइड से एक साइड से निकाला है जो बेल्ट उसे जो हमने जगह रखी थी एक फिंगर जितनी वहाँ पे हमें रखना है उसी के अंदर पैक करना है इसे और उसी के ऊपर हमें स्टिच कर लेना है इस तरह से। तो देखिए हमारे दोनों बेल्ट को एकदम सही से सेट करके फिर हमने वहाँ पे स्टिच कर लिया। इसी तरह दूसरी साइड भी हमें सेट कर लेना है। जिस साइड से हमने बेल्ट एक बार लगाया उसी साइड उसी की सामने की साइड से हमें इस तरह से लगाना है और स्टिच कर लेना है। तो देखिए, ये देखिए आपके बच्चों के लिए एकदम बेहतरीन सा बैग बन चुका है, ट्यूशन बैग है, तो आपको बहुत काम की चीज़ है आपके बच्चे के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।